यू गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये हम लोग परी की बेटी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे स्टूडियो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो परी दीदी का मैडम का नाम क्या? तेरी मैडम का पूजा मुला। पता है आपको यान नहीं, मैम व्लॉग देखती है यान के। हां यानो ना, यानो मैम देखती है ना व्लॉग्स। मैम अच्छे, अपने मैम का नाम बताओ अच्छे से। पूजा मुला। बेटा ऐसे नहीं बोलते, दे दो है अच्छे से बोलते ना। फिर मैम लगाते ना, बोलते पूजा आहूजा मैम। ए परी ने तंग कर दिया उसको। जूते मिलते हैं एडिडास के? एडिडास के तो मिलते हैं। चलो चाहिए। मम्मा, मम्मा। इसमें नहीं, ये कहाँ अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी उसमें, देखो इसमें होंगी, इसमें नहीं होंगी ना परी के साइज की। ये मेरे को तो, ये तो ये वाली तो सब बड़ी लग रही है। टी शर्ट और कलर्स में भी है। हाँ कुछ ऐसा डिफरेंट सा देखना, वो फिर हमेशा ये अच्छा लग रहा है। पापा से कह रही मेरे साइज में होते तो मैं ले लेती ये वाले कलर्स। तो मैं आ गई हूँ परी के बर्थडे की शॉपिंग करके। सारी आप लोगों ने क्लिप्स देखी होंगी तो दिखाती हूँ आप लोग। तो ये सारी शॉपिंग हुई है परी मैडम के बर्थडे की, ये आप देख सकते हो। तो गाइज़ उसके बाद ना मैं डायरेक्टली रूम में आ गई थी। कर तो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं रहे थे क्योंकि ना परी के एग्ज़ाम्स हैं फिफ्थ से। फिफ्थ को परी का बर्थडे था और फिफ्थ से ना परी के रेगुलर एग्ज़ाम्स थे। तो ये मैं ना मार्केट जाके बस थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान ले आई थी क्योंकि ना उसको फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं छोटा सा एक कॉर्नर सा बना रही थी ताकि वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सब क्लिक कर ले। और ड्राॅइंग रूम में ना सब, क्योंकि अभी क्रिसमस है तो आगे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो हम लोग ने, मैंने ड्राॅइंग रूम इसीलिए यूज़ ही नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर ना अपने रूम में इस वाली वॉल पर बस ये कर्टेन लगा रही हूँ और उसके बाद बस हैप्पी बर्थडे का एक बैनर लगा दूंगी उसके ऊपर पिंक से कलर का। और क्योंकि ना यार परी को फ़ोटोज़ वोटोज़ का बहुत ज़्यादा शौक है तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए एक छोटा सा फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए कॉर्नर सा बना दूँ छोटा सा, तो खुश भी हो जाएगी, उसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो बस इसके अलावा हम लोगों ने ना नेक्स्ट डे तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, नहीं करना था क्योंकि परी का एग्ज़ाम है जैसे कि मैंने अभी बताया था पहले भी, तो एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार हम नहीं किसी को बुलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बट परी का बर्थडे हम लोग इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यही है, बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस गाइस मैंने सोचा था इसके लिए कुछ ज़्यादा तो कर नहीं रहे, तो इसके लिए ना इसके बर्थडे वाले दिन कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए बना दूँगी, इसकी फेवरेट चीज़ है। और रात को 12 बजे ना हमने इसका केक वेक काट लिया था। कह रहा अरे पापा ये तो ना फूफा का रास्ता है, फूफा का रास्ता रहने को मिलेगा।
बच ही गया दीदी, खिसक गया वही तो, मेरे को सही कर दो उसको लेके चलो। बच गया कहते हो, बच गया वही, ये ना भी ना ओ बड़ी भाई फिर बात कर दियो, ये लो वो भी क्या चेक चाकू भी भाई चाकू चाकू लेके परी खड़ी हो यार, अच्छा लग रहा है ना, स्पून दो स्पून सही है यार, खराब है परी, फूका रो क्या कर रही है पोपट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, स्पून से स्पून से, अरे क्या मैनी किसेस टू यू, अब ये पागल हो गए, ये पागल हो गए दोनों बहन। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये परी स्कूल पहन के गई थी सुबह मॉर्निंग में। तो बस एक था छोटू सा परी का बर्थडे का व्लॉग, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।